सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आशीष घोसाल ब्लॉग। तो आज की मेन ब्लॉग बनाने का रीज़न यही है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो गई है। 23 से 29 तक रजिस्ट्रेशन करना है हम लोग को, जो डिप्लोमा कर रहे हैं और अदरवाइज जिसका है वो अपने जाने। तो भाई डिप्लोमा के चक्कर में हम आएँ तो बता रहे हैं कि डिप्लोमा का रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है और सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर थ्री का भी रजिस्ट्रेशन इसी में होगा। तो बता देते क्या करना है। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो होगा उसमें हम लोग को पहला तो कि आप देख सकते हो गाइस कि मेरे पास रजिस्ट्रेशन इस तरह का कुछ होता है, इस तरह कुछ होगा। तो इस तरह का वाला डिप्लोमा में आपको पहला आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे देंगे इस चीज़ का। तो पहला में आपका अमाउंट में आपको 350 रुपीज़ देना है। तो डिप्लोमा लिखना है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी में लिखना है ना, रजिस्ट्रेशन फ़ी वहाँ आपको डिप्लोमा 350 लिखना है। उसके बाद आप दो ऑप्शन दिखेगा, एग्जामिनेशन का और रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में क्लिक टिक मार के आपको लिखना है रजिस्ट्रेशन, फिर स्टूडेंट नेम आपका जो नेम है वो लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर दोनों देने के बाद सीधे आप नीचे आइएगा और डिपॉजिट डेट लिखा हुआ है, जिस दिन को आप डिपॉजिट करिएगा उस दिन का डेट डालिएगा। और नीचे उसका नीचे वो कैंडिडेट साइन लिखा है, फिर आपका इंस्टीट्यूट का कोई टीचर साइन कर देंगे। तो इतना ही था। और उसके बाद जो बाकी तीन पन्ना में भी सेम चीज़ है, तीन पन्ना में सेम चीज़ है। तो तीनों में सेम चीज़ उतारना, जहाँ जहाँ बोल दिया आपको वही तीनों में जगह करना आपको, अदरवाइज आपका मास्टर तो है ही, मास्टर से आप पूछ के कर लीजिए अच्छा होगा। तो मास्टर से सब भर लीजिए, वहीं सिग्नेचर भी कर देंगे और बोलेंगे कि बैंक में चालान कटवाने, तो जाकर आपको चालान कटवाएंगे। तो तब तक ब्लॉक बने रहिए, आपको जानकारी भी मिलेगी, फिर तो चालान देख भी लीजिएगा कहाँ पर क्या है। चलिए गाइस, हम लोग अभी चालान कटवाएंगे, साइकिल रेडी है, पेमेंट भी रेडी है। तो अभी जा रहे हैं बैंक पंजाब नेशनल बैंक से हम लोग को चालान कटवाना है, ऐसे में बता दे रहे हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक जैना मोड़ में है, जैना मोड़ जो है जो फोर लाइन है उसके बगल में ही है। तो जल्दी से जाते हैं वहाँ पर और पेमेंट करते, अभी फिलहाल बैंक बंद है। हाँ तो देख सकते हो यहाँ पंजाब नेशनल बैंक में हम लोग पेमेंट करने जा रहे हैं। तो हम लोग जैसे पंजाब नेशनल बैंक में पेमेंट करेंगे उसके बाद आपको प्रोसेस दिखाते हैं। पहले आप अंदर हम कर नहीं सकते, बैंक के अंदर रूल नहीं है करने का, तो हम बाहर अभी दिखा देते हैं। पंजाब नेशनल बैंक हम आए हुए, देख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक है। अंदर की पेमेंट करने के बाद आपको प्रोसेस दिखाते हैं कि क्या करना होता है। पहले पेमेंट करते हैं, उसके बाद चालान लेते हैं, उसके बाद फिर कॉलेज तक जाएंगे। जैसे कि आपने देख ही चुके हैं कि बैंक में गए थे, बैंक में हमने चालान जमा किया कॉपी को, उसमें आपको 350 रुपये बैंक में जमा देना रहता है। फिर उस कॉपी को जो तीन में है उसमें साइन वन सब कर देंगे, उसका दूसरे काउंटर में जाके उसमें आपको मतलब कि वो फाड़ देंगे, अपना पास एक कॉपी रख लेंगे, बाकी आपको दो को दे देंगे। वो दोनों जो कॉपी है आपको पहले ही दिखाए थे कि तीन कॉपी था, उसमें तीन मतलब स्टेप था। तो एक स्टेप बैंक रख लेगा, दूसरा जो स्टेप है वो आपको कॉलेज में जमा देना, तीसरा आपके पास रहेगा। तो उसी के सहायता से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसमें रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाया गया, वो रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बाद में। जैसे कि अभी हम थोड़ी देर बाद रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा देना बता दे रहे हैं, जैसे कि आपको जो आया है इसका थ्रू वो ही बता दे रहे हैं, स्पेशल कोई कॉलेज का नाम नहीं ले रहे, जो आया है कॉलेज के थ्रू के थ्रू जो भी आया उसका हम बता दे रहे हैं। कि पहला आपका लगेगा फ़ोटो, आधार कार्ड का जेरोक्स का फ़ोटो, माइग्रेशन। फिर आपका लग रहा है जो आपको कॉपी लिए अभी आपको दिखाए थे ना, कैश कटवाएं उसका तो चाहिए, प्लस आप जो डॉक्यूमेंट सब करेंगे ना उसका आप फ़ोटो खींच लिए, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके आपका देना है कॉलेज में जेरोक्स निकाल के। इतना कुछ करने के बाद आपका आगे का प्रोसेस कॉलेज बता देंगे। फिलहाल तभी हम इतना कुछ किए नहीं है, जैसे आगे का प्रोसेस करेंगे हमको जानकारी मिलेगी और आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ब्लॉग को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।